विद्यार्थियों, मेरे द्वारा इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि एजेंसी किसे कहते हैं और इसके एलिमेंट्स क्या है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड इट्स काइंड्स, उसके प्रकार क्या है। आज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो यह है कि हमने एजेंसी की बात कर ली, एजेंट की बात कर ली, आज हम एजेंट के अधिकारों की बात करेंगे। एक अभिकर्ता के अधिकार क्या हैं और कौन से अधिकार? अपने मालिक के प्रति। ठीक, तो आज मेरा जो कंसेप्ट है, डिस्कस द राइट ऑफ एजेंट अगेंस्ट टू प्रिंसिपल। एक अभिकर्ता के अपने मालिक के प्रति क्या अधिकार हैं, इन अधिकारों की चर्चा आज हम यहां करेंगे। ठीक, नंबर फर्स्ट, राइट टू रेमुनरेशन। राइट टू रेमुनरेशन से तात्पर्य है कि जब कोई अभिकर्ता अपने मालिक के लिए कोई कार्य करेगा, मेहनत करेगा, तो जाहिर सी बात है उसे बदले में पारिश्रमिक चाहिए, और अगर मालिक पारिश्रमिक नहीं देता है तो उसके विरुद्ध वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो एक सबसे पहला जो अधिकार एक अभिकर्ता का बनता है एजेंसी के अगेंस्ट, अपने मालिक के अगेंस्ट यानी प्रिंसिपल के अगेंस्ट, वो है राइट टू रेमुनरेशन, पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। फिर अगर वो दे दे तो ठीक, या फिर जिस किसी विधि से जो कि लॉफुल हो उससे वो वसूल करेगा। सेकंड, राइट टू इंडेमनिटी। जाहिर सी बात है एक अभिकर्ता जब भी कोई कार्य करता है तो अपनी एजेंसी के लाभ को ध्यान में रखते हुए करता है, अपने प्रिंसिपल के लाभ को ध्यान में रखते हुए करता है कि हमारे प्रिंसिपल को कुछ लाभ हो, हमारी एजेंसी उत्तरोत्तर उन्नति करे, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वो थर्ड पर्सन से मिलता है और एजेंसी की पॉलिसी बताता है, बेनिफिशियल बेनिफिट बताता है और व्यापार करता है। लेकिन अगर किसी भी तरह से जब वो एज ए बोनाफाइड पर्सन कोई कार्य कर रहा है एजेंसी के हित में और मालिक की गलती से या किसी भी कारण से अच्छे कार्य को करते हुए उसे कोई नुकसान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एजेंट के उस नुकसान की भरपाई, उसकी उस क्षतिपूर्ति की भरपाई मालिक स्वयं करेगा। लेकिन किन आधारों पर? हम देखेंगे इन आधारों पर। नंबर फर्स्ट, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी, यानी कि एजेंसी को, एजेंसी का प्रतिसंग्रहण करना, यानी एजेंसी बंद करने पर। सेकंड, कंसिक्वेंसेस फॉर लीगल वर्क, विधिक कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां हैं। नेग्लिजेंसी ऑफ प्रिंसिपल, यानी मालिक की उपेक्षा होने के कारण वर्किंग एज ए बोनाफाइड पर्सन, सद्भाविक पक्षकार होने के आधार पर। नंबर फर्स्ट, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी। मान लीजिए मालिक ने जिस एजेंसी का निर्माण किया उस एजेंसी को बंद कर दिया, और बंद करने से किसी तरह से नुकसान एजेंट को होता है, तो एजेंट ऐसे नुकसान की भरपाई अपने मालिक से करेगा। सेकंड, कंसिक्वेंसेस फॉर लीगल वर्क, एजेंट अपना जो भी कार्य कर रहा है एजेंसी की तरफ से पूरी ईमानदारी से और विधिक तरीके से कर रहा है, और ऐसा करने के बावजूद कुछ ऐसे परिणाम निकले जिसके परिणाम स्वरूप एजेंट को नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई भी प्रिंसिपल करेगा। नेग्लिजेंसी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि एजेंसी का मालिक, कुछ उपेक्षा की उनके द्वारा, उन्होंने कुछ उपेक्षा बरती, उपेक्षा की जो सोचना चाहिए नहीं सोचा और जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच लिया। लापरवाही की, जब मालिक कोई लापरवाही करेगा एजेंसी में और उससे नुकसान होता है और वो नुकसान सीधा इफेक्टेड करता है एजेंट को, तो एजेंट उस नुकसानी को अपने मालिक से भरपाई करवाएगा। वर्किंग एज ए बोनाफाइड पर्सन, ध्यान रखें विद्यार्थियों, जब भी कोई भी व्यक्ति सद्भाविक पक्षकार के तौर पर कोई भी कार्य करता है और ऐसा कार्य करने के बावजूद अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान की भरपाई स्वयं मालिक करेगा। और एक और बात याद रखें कि अगर एज ए बोनाफाइड पर्सन आप कोई कार्य करते हैं और भूलवश किसी का नुकसान हो जाता है,
तो आप उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आपकी होगी। थर्ड, राइट टू रिटेन द अमाउंट। राइट टू रिटेन द अमाउंट से तात्पर्य अमाउंट से तात्पर्य है कि जब मालिक के द्वारा अभिकर्ताओं को उसके पारिश्रमिक का संदाय नहीं किया गया हो, यानी कि उसके वेतन या तनखा इत्यादि नहीं दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में अभिकर्ता अपनी एजेंसी के जो अकाउंट सेक्शन के कई सारे दस्तावेज हैं उन्हें अपने पास रख सकता है, लेखों को अपने पास रख सकता है, अमाउंट को अपने पास रोक कर रख सकता है, जब तक कि मालिक ये ना कह दे कि जो अमाउंट आपके पास है उसमें से आप अपना पारिश्रमिक काट लें और बाकी मुझे वापस दे दें। फोर्थ, राइट टू लियन। राइट टू लियन मैंने पहले भी बताया था आपको, इसके पहले जो मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर बताए गए थे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पार्ट सेकंड में, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू राइट टू लियन। बेलमेंट में मैंने आपको बताया था राइट टू लियन यानी धारणा अधिकार का अधिकार। लियन अपने आप में धारणा अधिकार है, तो धारणा अधिकार का अधिकार से तात्पर्य यह है कि जब अभिकर्ता अपने मालिक यानी एजेंसी की तरफ से कोई कार्य करता है, तीसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है, उन्हें अपनी पॉलिसी इत्यादि बताता है, व्यापार करता है, और ऐसा करने के बावजूद सारे कार्य वो करने के बावजूद भी अगर उसे उसका पारिश्रमिक, उसका वेतन, उसके भत्ते इत्यादि नहीं दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह एजेंट उसके पास जो पैसा है या डॉक्यूमेंट है या कोई भी माल उसके पास रखा हुआ है, वस्तु उसके पास रखी है जो कि एजेंसी की है, तो उस वस्तु माल पेमेंट या किसी भी कीमती डॉक्यूमेंट को अपने पास रखे रहेगा, और इसे बोलते हैं कि राइट टू लियन, यानी कि जब तक आप मेरा पेमेंट मुझे नहीं कर देंगे मैं आपकी वस्तु, आपका माल, आपका पैसा, आपका कीमती दस्तावेज आपको नहीं सौंपूंगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाए जाते रहेंगे और अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।